हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ एक न्यू डिज़ाइन का पायदान, जिसके लिए मैंने 26 फंदे डाल के रखे हैं और मैंने 3 कलर से मैं बना रही हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट, डिज़ाइन को पुरानी साड़ी या चुन्नी से भी बना सकते हो। और मैंने दो दो की जोड़ से फंदे डाले हैं, 26 फंदे मैंने डाल के रखे थे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हुए, पहली रो हम 16 फंदा बुनेंगे। ये 16 फंदे बुनने के बाद मैं दूसरा कलर ऐड करूंगी। मैं ब्लैक कलर से 8 फंदे बुनूंगी, 1 2 3 4 5, ये 6, सात और ये 8। 8 फंदे बुनने के बाद 2 फंदे मैं छोड़ दूंगी, यहाँ से मैं वापस हो जाऊंगी और आगे से जो कलर जैसा है उसको वैसे ही बुनकर मैं यहाँ तक बुन लूंगी। जो कलर जैसा है वैसा ही बुनना है, आगे से हमें कुछ भी नहीं करना है। इसी तरह से अब जितना बड़ा बनाना चाहते हो 2 के जोड़ के हिसाब से आप बड़ा बना सकते हो। ये हमारी पहली रो कंप्लीट हो गई है। अब दूसरी रो हमें ऐसे ही 16 फंदे वाइट के बुनने हैं। और यहाँ से हम ब्लैक वाला ब्लैक से बुनेंगे, इस तरह क्रॉस करते हुए ब्लैक वाले। अब हम 6 फंदे बुनेंगे, 2 3 4 5 और 6। लास्ट में 2 फंदे ब्लैक के छोड़ देंगे और यहीं से हम वापस हो जाएंगे और आगे से जो कलर जैसा है उसको वैसे ही बुन लेंगे। ये हमारी दूसरी लाइन कंप्लीट हो गई है। यहाँ हमने ब्लैक के 2 लाइन बनाए हैं हमने। अब यहाँ से आप देखिएगा, हम तीसरा कलर ऐड करेंगे। हमें हर एक कलर की 2 लाइन हमें बनानी होती है इसमें, उसके बाद हम कलर को चेंज करते रहेंगे।
यहाँ हमारे चार फंदे रहे तब हमें यहाँ से हम तीसरा कलर ऐड करेंगे। मैं ब्लू कलर ले रही हूँ। और आगे से हम ब्लैक कलर को ब्लू में बुनेंगे। और ब्लैक के दो फंदे हम फिर से छोड़ देंगे और यहीं से वापस हो जाएंगे। आगे से जो कलर जैसा है उसको वैसे ही यहाँ तक हम बुन लेंगे। हमारी ब्लू वाली लाइन एक हो गई है, अभी हम दूसरी लाइन बनाएंगे। हमें ब्लैक और ब्लू दोनों की दो दो लाइनें बनाते जाना है। मैंने ब्लू के दो फंदे छोड़ दिए हैं और यहीं से मैं वापस हो जाऊंगी। और यहाँ लास्ट तक मैं जो कलर जैसा है उसको वैसे ही बुन लूंगी। ब्लू की हमारी दो लाइन हो गई है। अब हम ब्लैक कलर को फिर से लगाएंगे। व्हाइट के चार फंदे हम फिर से ब्लैक में करेंगे। ये व्हाइट के चार फंदे में फिर से ब्लैक करूंगी इस तरह से। ऐसे ही हमें दो लाइन दो कलर से बनाते जाना है और दो दो फंदे हमें छोड़ते जाना है। मैं फिर से ब्लू कलर के दो फंदे छोड़ रही हूँ और यहीं से मैं वापस हो जाऊंगी। और आगे से जो कलर जैसा है उसको यहाँ तक बुन लेती हूँ। हम फिर से ब्लैक की एक रो फिर से बनाएंगे। जब हमारी दो दो रो कंप्लीट होती है तब आगे चार फंदे चेंज करने होते हैं। यही से ब्लैक कलर बुनेंगे। यहाँ ब्लैक के दो फंदे छूट गए और यहीं से वापस हो जाऊंगी। यहीं से वापस हो गई और यहाँ से आगे से
जो कलर जैसा है उसको यहाँ तक मैं बुन लेंगी। हमारी दो लाइन हो गई। अब यहाँ से हम फिर से चार फंदे वाइट के ब्लू कलर के बनाएंगे। ये चार फंदे में अब ब्लू कलर से बुनूंगी। और ये ब्लैक वाले ब्लू से बुनूंगी और दो फंदे फिर से मैं छोड़ दूंगी। दो फंदे मैंने छोड़ दिए और यहीं से वापस हो जाऊंगी और आगे से जो कलर जैसा है उसको वैसे ही बुनकर कंप्लीट करूंगी। ये हमारे लास्ट में चार फंदे व्हाइट के हैं जो हमें अब ब्लैक करने हैं। व्हाइट से अभी बुनना नहीं, हमें ये ब्लैक बना देंगे चार फंदे। देखिए मैंने सारे फंदे छोड़ दिए हैं, यहाँ तक मैंने बना लिया है। यहाँ भी आप देख सकते हो हर एक कलर के मैंने दो दो लाइन बनाई है। तो ये हमारी आधी कली बनके तैयार है। अब यहाँ से हम व्हाइट कलर को ज्वाइंट करेंगे। व्हाइट कलर के हम चार फंदे बनाएंगे, एक दो तीन और चार। ये चार कलर हमने, चार फंदे हमने व्हाइट कलर से बुने और यहाँ से हम ये ब्लू वाला कलर लेंगे, जबकि हमारा यहाँ ब्लू कलर आ रहा है। तो यहाँ से हम ब्लू कलर के छह फंदे बुनेंगे, एक दो तीन चार पाँच और छः। और यहीं से हम टर्न हो जाएंगे और आगे से जो कलर जैसा है उसको यहाँ तक हम बुन लेंगे। हम जैसे यहाँ से चार चार फंदे और दो दो छोड़ते हुए यहाँ ऊपर की ओर आ रहे थे, यहाँ से ऊपर की ओर आ रहे थे, अब हमें नीचे की ओर जाना है। तो यहाँ से देखिएगा ये हमारी अभी दूसरी लाइन बनेगी। तो यहाँ हम कोई फंदा नहीं करेंगे, ऐसे ही जो जैसा है वो कलर ही यूज़ करेंगे और आगे से दो फंदे फिर से इसमें ऐड कर लेंगे इस तरह से। हमारे ब्लू कलर के आठ फंदे हो जाएंगे। ये दो वाला फंदा मैं आगे से उसमें बुन लूंगी। इस तरह से हमारे आठ फंदे, एक दो तीन चार पाँच छ सात और आठ, आठ फंदे हमारे ब्लू के हो गए और यहीं से हो गई। और यहाँ जो कलर जैसा है उसको वैसे ही लास्ट तक बुन लूंगी। यहाँ से हम फिर से अब व्हाइट कलर को नीचे लेते जाएंगे
ये ब्लू वाले जो फंदे हैं हमारे वो वाइट बुनते जाएंगे। ये हमारी दो लाइन कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ से हम वाइट कलर को नीचे की ओर लेके जाएंगे। लास्ट में चार फंदे ब्लू के रह जाएंगे, तब हम ब्लैक कलर को ऐड करेंगे। ये सॉरी यहाँ तीन है, ये हमारे चार फंदे हैं। यहाँ से हम ब्लैक कलर लगाएंगे। और आगे से दो फंदे ब्लैक के इसमें बुन लेंगे और यहीं से हम वापस हो जाएंगे। और आगे से यहाँ तक हम बुन लेंगे ऐसे ही। अब ब्लैक वाले हमारे आठ फंदे हो जाएंगे फिर से। पहली बार हमारे छह फंदे हुए थे, अब की बार दो आगे से लेंगे, आठ फंदे हो जाएंगे। अगर बीच में गैप हो तो बीच में से ऐसे फंदे को उठा के हम आगे से दो का एक करते हुए गैप को खत्म कर सकते हैं। अगर ज्यादा गैप हो तो ऐसे करने से बीच में गैप नहीं दिखते और यहीं से वापस हो जाएंगे। यहाँ तक हम बुन लेंगे, जो कलर जैसा है उसको वैसे ही। अब हम ये व्हाइट फंदे आगे फिर से बढ़ाएंगे और ब्लू कलर को ऐड करेंगे। मैं इस बार एक बार बता देती हूँ, अब ध्यान से देख लीजिएगा, फिर मैं पूरी कली कंप्लीट करके आपको दिखाऊंगी। ये ब्लैक वाले धागे हम व्हाइट से बुनेंगे और चार फंदे ब्लैक के हम ब्लू से बुनेंगे। ये चार फंदे जो हमारे ब्लैक है उसे हम ब्लू कलर से बुनेंगे। और आगे से दो फंदे फिर से लेकर छह फंदे बना लेंगे इस तरह से। और यहीं से हम वापस हो जाएंगे और यहाँ से हम ऐसे ही यहाँ तक बुन लेंगे। और ऐसे ही करते हुए हमें आगे दो एक बार फिर से चार फंदे ब्लैक के करने हैं, तो मैं यहाँ तक बना लेती हूँ, फिर आगे का आपको दिखाती हूँ। ये लास्ट के जो दो बचे हैं उसके लिए देखिए, मैंने सारे के सारे यहाँ तक बुन लिए। अब लास्ट में हमारे दो फंदे व्हाइट के हैं, वो भी हम बुन लेंगे। अब सारे फंदे हमें व्हाइट से लास्ट तक बुन लेना है, इसमें कोई कलर ऐड नहीं करना है हमें। ये ब्लैक वाले भी हम व्हाइट से ही बुन लेंगे और जो हमारा लास्ट में दो फंदा व्हाइट का है उसमें साथ में बुनना है।
यहाँ से भी यहाँ से यहाँ तक हमें एक लाइन हमें बुननी है। यहाँ हमारी एक कली कंप्लीट हो गई। और यहाँ से बुन कर यहाँ से हमें फिर से जो ये वाला हमने बनाया कली ऐसे ही रिपीट करते जाना है और पूरे डोरमेट को ख़त्म करना है, पूरा करना है हमें। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।